दुनिया के अंदर ओपन एआई के कारण एआई का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था और ओपन एआई ने चैट जीपीटी 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया और उस दिन पूरी दुनिया को बदल दिया और लोगों को पता चल गया कि एग्जैक्टली में एआई क्या है और एआई ने आज तक देखा तो बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा नाम आता है, वो आता है गूगल का, क्योंकि गूगल एक ऐसी कंपनी है जो आज के समय में ओपन एआई की मोनोपोली को चेंज कर रही है। और देखा जाए तो अगर ओपन एआई के चैट जीपीटी से बड़ा कुछ अगर हो सकता है तो वो डेफिनेटली गूगल का जेमिनी है। और रिसेंटली गूगल ने अपना जेमिनी 3 भी अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर, बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि गूगल के पास एक ऐसा हथियार है जिससे आने वाले समय में वो अपनी गूगल की सर्च, गूगल का एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड टीवी हो गया, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर गूगल का यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को मिलता है ना, सारी की सारी चीजें आपको ना जेमिनी के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि जेमिनी जो रहता है वो हर जगह चले जाएगा। इवन रिसेंटली बात करूं तो गूगल असिस्टेंट भी आने वाले समय में डिसकंटिन्यू होने वाला है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जेमिनी ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं गूगल जेमिनी 3 की, तो चीजों में इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हुआ है। ऑब्वियसली बेटर LLM है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लोग उससे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और जैसे कि हमने जेमिनी लाइव को भी देखा, कहीं भी आप अपने मोबाइल फोन को कहीं भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसके कैमरा से आप रियल टाइम में आंसर ले सकते हैं। और डेफिनेटली ये फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाता है कि गूगल यहाँ पे AI के साथ यहाँ पे क्या और करने में लगा हुआ है। और डेफिनेटली फ्यूचर में जो जेमिनी होगा ना, वो आपके ग्लासेस में भी इंटीग्रेट होने वाला है। इसके भी जो ग्लासेस होते हैं सैमसंग के साथ, बहुत ही जल्दी शायद 2026 में देखने को मिल जाए। लेकिन बात करें तो गूगल जेमिनी में ऐसा क्या, देखो सबसे पहली चीज, गूगल यहाँ पे एजेंटिक AI वगैरह को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो चैट जीपीटी ने भी किया था, जिसका मतलब ये कि आपको बस जेमिनी को कहना, अगर आपको कोई बुकिंग करनी है, कोई कैलेंडर मैनेज करना है, कोई ट्रैवल प्लान करना है, या गूगल की जो एप्स होती है जैसे जीमेल हो गया, शीट्स हो गया, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर लेगा। यानी कि जो काम करने के लिए पहले आप किसी ऐप पे या वेबसाइट पे आते थे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसके साथ ही जितने भी कोडिंग रिलेटेड काम है ना, तो यहाँ पे वाइब कोडिंग का एक कंसेप्ट आ रहा है, जिसके अंदर जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, वो सब भी काफी हद तक ऑटोमेट हो सके, ये भी करा है उन्होंने। और रिसेंटली गूगल ने अपना एंटीग्रेविटी भी शोकेस किया था, जिसके अंदर किसी को अगर इजिली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो वहां पे जेमिनी के इंटीग्रेशन के साथ ही बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि मान लीजिए किसी अगर सॉफ्टवेयर को बनाने में 10 लोगों की टीम लगती थी, तो अब एक ही इंसान उस काम को यहाँ पे कर सकता, तो इस चीज से जेमिनी ने यहाँ पे काम किया। लेकिन आप लोगों को पता है कि जेमिनी का जो यूज है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा किन चीजों में हो रहा है? जैसे की बात करें इमेज एडिटिंग में, रिसेंटली नैनो बनाना तो आपने सुना था, लेकिन नैनो बनाना प्रो लिया जो जेमिनी 3 के साथ है, और देखा तो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट कर देता, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ समय पहले था जब गूगल ने अपना जेमिनी में पहली बार इमेज कंटेंटेशन निकाला था ना, तो उसे बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था, बहुत नेगेटिविटी मिली थी, कि इतना ज्यादा बैकलैश था कि यहाँ पे जेमिनी का जो इमेज जनरेशन था ना टूल, उसे वापस लेना पड़ा। लेकिन 2025 में जब जेमिनी के अंदर नैनो बनाना प्रो आए, वहां से इमेजेस की क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो गई, और लोग ये भी कहने लगे कि फोटोशॉप को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि आम तौर पे फोटोशॉप को सीखना पड़ता है, काफी बड़ा टूल है, एक एक चीज करनी पड़ती है, लेकिन नैनो बनाना के अंदर आप सिर्फ लिख के, यानी कि उसको सिर्फ बता सकते हो कि मेरे को फोटोग्राफ में ये एडिट करना है, ये सारी चीजें करनी है, प्रॉम्प्ट डालकर आप बहुत ज्यादा अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और देख के ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इमेज एडिटिंग वाली जो चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती थी, किसी को सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता था, तो वो चीज काफी ज्यादा कम होती चली जाएगी। नैनो बनाना अल्ट्रा रियलिस्टिक तरीके से काम कर रहा। और ऐसी बात करें यहाँ पे वीओ 3 भी उनका काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आप यहाँ पे वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, और अब उसके अंदर साउंड डालने का भी ऑप्शन आ रहा है। कहने का मतलब इधर ये कि आप AI जनरेटेड वीडियोस बना रहे हो, उनकी क्वालिटीज भी बेटर हो रही है, आप AI जनरेटेड फोटोज क्रिएट कर पा रहे हो, और ये सारी चीजें ना बैकएंड हो रही है। लेकिन बात की जाए तो ये कुछ अच्छी चीज है, इसके साथ ही थिंकिंग लेवल भी लेकर आगे, किसी को अगर डीप सर्च करनी है, एनालिसिस करनी है, और बिल्कुल ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए ना, तो वो भी अब जेमिनी के साथ यहाँ पे पॉसिबल है। और एक सबसे बड़ी बात तो गूगल जेमिनी के साथ क्या, कि यार गूगल ने जेमिनी तो खुद अपने अंदर इंटीग्रेट किया, और ओपन एआई के चैट जीपीटी से लड़ने के लिए बहुत ही कम समय में उसे निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो गूगल के पास हथियार है ना, वो है कि वो पूरी की तरीके से वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, यानी कि A to Z चीजें सारी बनाई है। यानी कि आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे ओपन एआई का चैट जीपीटी जितने भी ज्यादातर LLMs होते हैं या फिर AI के यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं, ज्यादातर जो रहते हैं वो Nvidia के सर्वर पे रन करते हैं, इसमें Nvidia के GPUs को यूज किया जाता है, क्योंकि GPU के अंदर AI वाला जो काम होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे गूगल ने बताऊं क्या किया, यहाँ पे गूगल ने TPU को डेवलप किया टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, और हाँ ये टेंसर जो है ये आपके जो मोबाइल फोन पिक्सल में टेंसर आता है ना, उसे टोटली डिफरेंट है। गूगल TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को 10 साल से ज्यादा लंबे समय से बना रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने इसको बनाया गया था स्पेसिफिकली AI रिलेटेड टास्क के लिए, कि आने वाले फ्यूचर में अगर AI अगर सर्वर साइड पर रन करनी हो तो वो अपने TPU पे रन करें। और उन्हें पता चला
काफी ज्यादा एडवांस है, काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है और डेफिनेटली गूगल के पास एक एडवांटेज मिल गया। यानी कि आज के समय में जो ओपन एआई के पास जो एडवांटेज नहीं है वो जो गूगल के पास है वो ये है कि यहाँ पे वो अपने जो टूल्स रहते हैं सारी चीजें खुद बनाता है। यानी कि फ्रंट एंड में देखा जाए तो वो लोगों को नैनो बनाना, जेमिनी ये सब देता है। गूगल सर्च अगर यूज कर रहे हो तो एआई मोड वहाँ पे ऑलरेडी इधर आ चुका है। इसके साथ ही बात करें तो गूगल मैप्स और गूगल की जितनी भी एप्स होती वहाँ पे ऑलरेडी जेमिनी अपनी जगह बना रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज इंटरनेट का होता है एंड्रॉइड फोन के अंदर और एंड्रॉइड फोन पे पूरा का पूरा जो दबदबा है वो गूगल का है और डेफिनेटली जेमिनी को वहाँ पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये से भी टोटली शुरुआत रहेगी, आने वाले फ्यूचर में जेमिनी को इतने डीप लेवल पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर सारी की सारी चीजें जेमिनी ही कंट्रोल करे। यानी कि हम लोगों ने एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई की काफी ज्यादा बात करी है लेकिन सारे मोबाइल फोन एंड्रॉइड पे चलते हैं और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में सिर्फ आपको अपने एंड्रॉइड फोन पे बस टाइप करना हो, उसको कहना हो कि मेरे लिए टिकट वगैरह बुक कर दो, वो पर्टिकुलर ऐप वगैरह खोल के सारी चीजें टिकट और सारी क्रेडेंशियल डाल के सारी चीजें कर देगा। बस आपको बस आपकी फिंगरप्रिंट लगाकर उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि वहां पे पेमेंट वगैरह कर दे। डेट से ये चीजें इतनी ज्यादा सिंपल हो जाएंगी क्योंकि जेमिनी ऑलरेडी इतना काम कर रहा है और एंड्रॉइड के साथ उनके पास एक एज है क्योंकि यहाँ पे वो जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एंड्रॉइड फोन तक लिमिटेड है, एंड्रॉइड का जो टीवी आता है उसमें भी जेमिनी इंटीग्रेशन है और इवन देखा जाए तो एल्यूमिनियम ओएस भी गूगल बना रहा है जो बना रहा है आपके लैपटॉप्स वगैरह के लिए। यानी कि रिसेंटली आप लोगों को पता है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन ने भी अपना X8 और X2 वाली चिप्स बनाई थी जिसके अंदर उसको बनाया गया था लैपटॉप के अंदर विंडोज रन करने के लिए। अब रिसेंटली कंफर्म होता है कि स्नैपड्रैगन चिप्स जो रहते वो एंड्रॉइड बेस्ड ओएस को भी रन कर लेंगी और लैपटॉप के अंदर भी प्रॉपर नए टाइप का ओएस देखने को मिल सकता है जो आने वाले समय में क्रोम ओएस को रिप्लेस करेगा और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को चला सकता है। इसका नाम एल्यूमिनियम ओएस रखा गया है यहाँ पे, जैसे कि कुछ समय पहले हमने फ्यूचरिस्टिक ओएस वगैरह इन सब की कहानी सुनी थी तो वैसे एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर निकल रहा है। लेकिन देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा तेजी डीप जा रहा है और जेमिनी देखा जाए तो गूगल अपने हर प्रोडक्ट में डाल रही है। इवन आज के समय में Veo 3 जो है गूगल का उसका इंटीग्रेशन यूट्यूब के अंदर हो चुका है। यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस में लोग Veo 3 का यूज करके वीडियोस को बना रहे हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब के अंदर भी किसी भी वीडियो की कोई समरी निकालना है तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है। वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन का अगर आंसर ढूंढना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो रही है। और हाँ, आने वाले समय में इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ऑनलाइन वो काफी ज्यादा ईजी हो पाएगा। तो ये कुछ काफी ज्यादा बेनिफिट है। और देखा है तो जेमिनी के अंदर जो टूल्स वगैरह इंटीग्रेट करे ना, इससे जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है लोगों का जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो रहा है और लोगों को जो नई टेक्नोलॉजी मिल रही है ना वो आपके मोबाइल फोन के अंदर ही अभी डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे चल के इसका फ्यूचर क्या रहता है क्योंकि देखा जाए तो ओपन एआई और गूगल के अंदर है ना बहुत बड़ी अच्छी जंग चल रही है। क्योंकि एक जमाने में हमने एंड्रॉइड की वॉर देखी थी पर हम एआई वाली वॉर देख रहे हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल भी लगा हुआ है, ओपन एआई भी लगा हुआ है और दोनों अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं। हालांकि ओपन एआई के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास फंडिंग है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन गूगल के पास एडवांटेज है कि उसमें पूरी चीजें जो है ना बैकएंड में काफी अच्छे तरीके से तैयार कर रखी है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि उसके पास एंड्रॉइड फोन का यूजर बेस ऑलरेडी तैयार है जहाँ पे अपडेट्स उन्हें प्रोवाइड करने, उन्हें वहाँ पे एप्स देने, गूगल प्ले स्टोर तैयार है जहाँ पे वो आसानी से जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही ऑलरेडी ये लोग ग्लासेस और अलग अलग पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे जो अपना जेमिनी डेवलप किया ना उसे और ज्यादा डीपली इंटीग्रेट किया जा सके। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में जो गूगल जेमिनी है उसका फ्यूचर यहाँ पे क्या रहता है। जेमिनी 3 के अंदर काफी इंटरेस्टिंग फीचर लाए, काफी ज्यादा बेटर किया है और लोगों का जो काम रहता वो और ज्यादा आसान कर दिया। और एआई देखा जाए तो आने वाले समय में और ज्यादा धीरे धीरे बड़ा होता चले जाएगा। और रही बात मोबाइल फोन की, तो आपको सच बता रहा हूँ कि मोबाइल फोन में अभी तक हमने एआई बिल्कुल भी ढंग से नहीं एक्सप्लोर किया है, सिर्फ फोटो एडिटिंग वगैरह कुछ बेसिक चीजें देखी। एक्चुअली में जो रियल एआई होता है ना मोबाइल फोन में वो अभी आना बाकी है और जिस दिन वो आ गया ना उस दिन मोबाइल फोन के अंदर एक और नया रिवोल्यूशन आएगा। यानी कि फीचर फोन से स्मार्टफोन गए, अब स्मार्टफोन से एआई फोन में जाने की बारी है और वो एआई फोन का जमाना अभी भी नहीं आया, कम से कम 1-2 साल और इंतजार कीजिए, जैसे ही आएगा सारी जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यार ये कुछ कहानी होती है जेमिनी की, ओपन एआई की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या क्या चलता रहता है उसके बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, क्या ओपिनियन रखते हो गूगल के जेमिनी के बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।